अब अगली हमारी फ्लाइट है मुंबई से बैंगलोर। हम पहुंच गए हैं गोवा में। गेस्ट रूम। हम लोग पहुंच गए हैं गोवा। मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ जिसके व्लॉग्स चल रहे हैं वो मिल चुकी है। अब अगली हमारी फ्लाइट है मुंबई से गोवा। आई एंटर हमने चेक इन कर लिया। बैटरी ऑफ थी, मैं चार्ज किया बड़ा फोन, बस बंद करने वाला हूँ क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी गोवा में। अभी चेकिंग करता हूँ यहाँ से, उसके बाद आपको मिलते हैं गोवा में। हम पहुँच गए हैं गोवा में और फ्लाइट ने हमें 5 मिनट पहले उतार दिया, 15 मिनट पहले उतार दिया। तो अभी हम जाते हैं बाहर टैक्सी, अभी लगेज देंगे उसके बाद टैक्सी करके हम पहुँचते हैं अपने होटल में। और वैशाली को भी फ्लाइट में बड़ा मज़ा आया इस ना, छोटी सी फ्लाइट में आया मज़ा। सो गाइस, वी फाइनली रीच गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी हम कैब से निकल रहे हैं डेस्टिनेशन की तरफ। वाओ, सो दिस इज आवर गेस्ट रूम, सो ब्यूटीफुल। छोटा सा किचन, ये है हमारा लॉबी और बेडरूम। साफ है ना, वेरी नाइस। हाँ वेरी नाइस। केटल भी है, केटल भी है। डिड यू लाइक इट? बहुत अच्छा लगा मुझे। वॉशिंग मशीन सुपर्ब। ये देखो फ्रिज, पानी भी है। नाइस। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द डिवाइन कपल। सो हम लोग पहुंच गए हैं गोवा और हमारा जो स्टे है दैट इज इन कॉन्डलम और बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ की जो नाइट लाइफ है। मतलब हम लोग रात को 1 बजे पहुँचे थे, नियर 1 है ना, और यहाँ पे मतलब सब ओपन ही था और कुछ भी डर वाला कुछ भी एज सच नहीं है। मतलब यू कैन एंजॉय एट एनी टाइम। और अभी हम रेस्ट वगैरह करके मैं आपको दूंगी अपना ये जो होम टूर है वो हम लोग देंगे। हमने एक्चुअली एक अपार्टमेंट टाइप यहाँ पे अपना बुक किया था एयरबीएनबी। हाँ एयरबीएनबी के थ्रू। हाँ एयरबीएनबी के थ्रू, तो हम लोग वहाँ पे अभी रह रहे हैं। सो आई विल गिव यू दैट, उसका मैं एक आपको एक वीडियो शूट करके मैं पोस्ट कर दूँगी। बाकी यहाँ पे जो टेम्परेचर दैट इज 29 डिग्री, मे बी अभी हाई जाएगा। 36 अभी 36 है और हम लोग जा रहे हैं बीच पे। रात को टेम्परेचर 29 था और अभी पहले कुछ खाएंगे पियेंगे, बिकॉज कुछ भी खाया पिया नहीं है। और जानू ने अपना बैग ले लिया हुआ है नहाने में, सामान पूरा उठा लिया हुआ है। अभी हम लोग जाएंगे बीच पे, पहले कुछ खाते हैं फिर बीच पे जाएंगे। अभी हमने एक्टिवा वगैरह लेना है रेंट पे और फिर देखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। शुरू भी कर दिया मैडम ने खाना। लस्सी मंगाइए साथ में। गाइस, हम लोग खाना खा के आ गए थे और अभी हमने ये स्कूटी रेंट के लिए, दिस वन।
अच्छी लग रही है स्कूटी वैसे, नो डाउट। टेम्प्रेरी आज के लिए, कल नहीं आएगी। अभी हम थोड़ा साइड, जो हमारे नियर बाई है, हमारा यहाँ पे अपार्टमेंट है, तो अभी हम नियर बाई देखते हैं कुछ घूमने का, जो भी होगा वहाँ जा रहे हैं, है ना जानू? नियर बाई मतलब शॉपिंग शॉपिंग की प्लेसेस देखते हैं, शाम को हम बीच पे जाएंगे। चलो लेट्स गो। हम लोगों ने अभी स्कूटी पे पेट्रोल डलवा लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं मापुसा मार्केट है जो गोवा की फेमस, वहाँ पेट्रोल डलवा के मिलते हैं अब आपसे वहाँ पे। गाइस तो हम पहुँच गए हैं मापुसा की मार्केट में। अच्छी थी ना? अरे बाप रे बाप, ये खास मार्केट। कैशियो नट्स, इस मार्केट बहुत चीप है। यहाँ पर हमने बैग लिया 250 का, लैपटॉप बैग, और ऑलमोस्ट बैग की कैटेगरी ऐसी है 200-250। सस्ती मार्केट है गोवा की मापुसा। हर तरह की वैरायटी है, खाने से लेकर कपड़ों से लेकर शूज फ्लॉट्स मिला। विशाल इन डाकू का उद्घाटन कर लिए डाकू। ऐसे ऐसे लाग ले कुर्ता दे, ओए कुर्ता दे 350 का। जानू ने लिए ये जारा की शर्ट्स जस्ट फॉर 150 ओनली। बीच पे जाके हम गाना गाएंगे गोवा वाले बीच पे इन दीज शर्ट्स। इतनी सस्ती है, ये 300 की मिलती है पंजाब में, और यहाँ ये 150 की है। 150 की सिर्फ। यार इज द व्यू, सो हियर इज बागा बीच गाइस। अब दिखाता हूँ, और अभी सनसेट होने वाला है तो मज़ा आने वाला है बहुत अच्छा। क्या लहरें दिख रही हैं यहाँ पर, आगे जा रहे हैं। हाँ यहाँ कुछ कह रही है, क्या कह रही है? कुछ नहीं, ये फोटो बनाना है फोटो। वेव्स बहुत अच्छी दिख रही है, सामने पैरा सेलिंग हो रही है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रह रही है। आजा। Hey guys, welcome back to our YouTube channel. तो अभी हम लोग हैं बागा बीच पे और हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। एज यू कैन सी जो टाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, वी आर इंजॉइंग अ लॉट। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, और ये देखो आप पीछे सनसेट हो रहा है। कैसे लग रहा है? सनसेट हो गया। सनसेट देखने का मजा अलग था ना। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट बागा बीच। काफी मजा किया हमने यहाँ पर, मतलब रिलैक्स हो गए प्रॉपर, मतलब थकावट थी दोपहर की। Thank you.
मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ जिसके व्लॉग्स चल रहे हैं वो मिल चुकी है गोवा में। इसने हमें ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर चलाया यहाँ। फर्स्ट हनीमून एंड हमारा तो सेकंड थर्ड फोर्थ पता नहीं कितना है। तो इसने हमें बहुत चलाया और फाइनली हमें मिल गई है और अभी हम लोग बातें बातें कर रहे हैं। ये देखो लाइट्स चमकती हुई आई है, पूरी सुंदर लग रही है। तो अभी देखते हैं क्या करना है आगे, पता नहीं क्या बातें चल रही हैं इन लोगों की। अभी हम जाने वाले हैं किसी क्लब में और वहाँ जाके जहाँ से तुम लोग आए, जहाँ से ये लोग आए हैं ना भाई, क्लब थे ये, हम मिल नहीं रहे थे, गुम हो गए थे। हाँ बहुत मुश्किल से आधे घंटे बाद हम दोनों मिले। राइट राइट राइट, बहुत मुश्किलों के बाद मिले। अब देखते आगे क्या करना है। देख ही सकते हैं कितनी बड़ी बीच है, दिखाओ भाभी। और इस बड़ी सी बीच देखो, देखो देखो लाइटें 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 लाइटें।